हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन इंटीग्रेशंस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं हर एक टॉपिक पे अपन ने किया। अब हमारे पास जो टॉपिक बची हुई है, इसको स्पेशल केसेस बचे हैं, जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कब करते हैं? ये बेस्ट वे होता है सॉल्व करने का अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाता है। मतलब अगर आपका न्यूमरेटर टाइप ऑफ डिनोमिनेटर टाइप का फंक्शन है, अगर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का अगर आपका फंक्शन है, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बारे में क्या पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स की डिग्री कम है और जी ऑफ एक्स की डिग्री ज़्यादा है, हम जी ऑफ एक्स को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फैक्टर्स कैसे निकलेंगे भाई, फैक्टर्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं फैक्टर्स में, सब अलग अलग वैल्यूज आ सकती है। मान लीजिए आपका आ गया एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ठीक है। दूसरा क्या आ सकता है, मल्टीपल रूट्स आते हैं जब फ्रैक्शंस करते हैं, तो अपने पास हो सकता है किस तरीके का आ जाए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी, इस टाइप का। मैं क्यूबिक का एक एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए और क्या केस हो सकता है, ये भी आ सकता है, ए वन प्लस एक्स स्क्वायर या ए प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स माइनस सी या कुछ और इस तरीके। यही मेन ऑप्शंस, यही पॉसिबिलिटीज होते हैं, अपन को पता है फ्रैक्शंस में, ठीक है। मतलब अपने पास इतने सारे चीज़ें पॉसिबल हैं, ओके। अब ये सॉल्व कैसे होगा, अब एक और चीज़ है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके, उसके बाद फिर हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंटीग्रेशन के तरीके। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तीन केसेस इसमें आएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, अपन एक एक केस से एक एक क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला केस ले लेते हैं। पहले वाले केस में अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके का है, मतलब एक्स तीन अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर तीन अलग अलग रूट्स आते हैं तब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 2x माइनस वन अपॉन क्या आ गया, x माइनस वन एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एंड x माइनस थ्री, ठीक है। डिनोमिनेटर ऐसा है, तीन अलग अलग रूट्स हैं, यानी इसके डिनोमिनेटर में फैक्टराइज हुआ है, जो भी हमारा क्यूबिक इक्वेशन था उसके तीन फैक्टर्स मिल रहे हैं, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू माइनस टू एंड x इक्वल टू थ्री, वो फैक्टराइज फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसे लेंगे अपन a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x प्लस टू प्लस c अपॉन x माइनस थ्री। इसको इंटीग्रेट करना है ना भाई, इंटीग्रेशन dx, इसको मत भूलिएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन dx। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है इंटीग्रेशन dx, यानी इसकी वैल्यू को पहले हम किसी के बराबर ले आते हैं। ये कैसे आ गया, ये बराबर आ गया, हम क्या करेंगे इनका एलसीएम बराबर कर लें। तो कैसे एलसीएम बराबर होगा भाई, 2x माइनस वन इक्वल टू, तीनों का एलसीएम बराबर होना है, तो एलसीएम यहाँ पे ही है, तो हमको क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी x के साथ क्या आ जाएगा मेरा, x प्लस टू और x माइनस थ्री प्लस b के साथ ये है, तो ये दोनों इसके ऊपर चले जाएंगे, क्या आ जाएगा भाई, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस c के साथ क्या आएंगे, c के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस वन एक्स प्लस टू। हो गया ये चीज़, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हमको इसको वैल्यूज नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो मेरा कॉमन हो गया, दोनों तो कैंसल आउट हो गया। अब मैं इसके ए बी सी की वैल्यूज कैसे निकालूंगी, बहुत आसान तरीका है, ए बी सी की वैल्यू निकालने का एकदम सिंपल तरीका है। एक एक बार एक एक की वैल्यू को जीरो करो। अगर मैंने एक बार एक्स की वैल्यू को वन ले लिया तो क्या हो जाएगा, देखो टू माइनस वन वन हो गया इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए टू प्लस वन थ्री, सॉरी वन प्लस टू थ्री, वन माइनस टू माइनस टू, ओके। अब यहाँ देखो वन माइनस वन जीरो, जीरो का मल्टीपल जीरो होता है, वन माइनस वन जीरो, जीरो का मल्टीपल जीरो होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, देखिए यहाँ से माइनस वन बाई सिक्स, क्लियर, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं दूसरी वैल्यू, मान लीजिए एक्स की वैल्यू को आप माइनस टू लेते हो, माइनस टू लिया तो क्या, देखो ये माइनस टू प्लस टू जीरो, यानी ए की वैल्यू जीरो, बी पे आ जाते हैं, ये आ गया टू इंटू माइनस टू, क्या हो गया टू इंटू माइनस टू माइनस वन इक्वल टू, ए की वैल्यू जीरो, बी पे आते हैं, बी का क्या आ जाएगा भाई, माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ओके।
सी की वैल्यू प्लस टू माइनस टू माइनस टू जीरो, यानी ए और सी क्या हो गया मेरा जीरो। तो वैल्यू क्या आ गई देखा है ये यहाँ पे, माइनस फाइव इक्वल टू बी इंटू माइनस थ्री माइनस फाइव, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी माइनस वन बाई थ्री आ गई, बी की वैल्यू आ गई मेरी माइनस वन बाई थ्री। ठीक, फिर मेरे को क्या करना है भाई, अब कौन सी वैल्यू बच गई थ्री। अगर हमने एक्स की वैल्यू को थ्री ले लिया तब क्या हो रहा है भैया, थ्री टू द सिक्स माइनस वन क्या हो गया फाइव। ठीक, लिख देते टू इंटू थ्री माइनस वन इक्वल टू, देखो थ्री माइनस थ्री जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, अपने पास सी के साथ बचेगा थ्री माइनस वन और थ्री प्लस टू, तो थ्री टू द सिक्स, सिक्स माइनस वन क्या आ गया फाइव इक्वल टू थ्री माइनस वन टू सी इंटू फाइव, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी वन बाई टू। तो ए की वैल्यू आ गई मेरी माइनस वन बाई सिक्स, बी की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई थ्री, सी की वैल्यू हो गई वन बाई टू। अब देखो यही क्वेश्चन था, अब यही क्वेश्चन यही है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करना, मुझे ये आ गया ये इंटीग्रेशन, ये हो गया डी एक्स, वैल्यूज लिख रहे हैं ना, देखो सेम उसी में हम कुछ नहीं कर रहे, इसी में हम वैल्यूज लिख देते। क्या भाई, ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ गया माइनस वन बाई सिक्स, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन बाई थ्री, इसी को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, क्या आ गया माइनस वन बाई सिक्स इंटू ए क्या लिया था हमने वन अपॉन एक्स माइनस वन, माइनस वन बाई थ्री बी क्या आ गया वन अपॉन एक्स प्लस टू, फिर प्लस वन बाई टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये पूरा क्या हो गया आपका dx, ये क्या हो गया आपका dx। आप अलग अलग कर लो, सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन बाई सिक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, फिर माइनस वन बाई थ्री लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, फिर क्या आ जाएगा प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट सी, हो गया यही करना है। मान लो इसमें इसी को अगर आपका कम्पिटिटिव में पूछेगा तो आपका क्या कर लेता है, ये लॉग्स को एक साथ सिंप्लीफाई कर देगा, ये इसका एक्स का पावर वन बाई सिक्स, वन अपॉन एक्स का पावर वन बाई सिक्स, वन अपॉन एक्स का पावर थ्री, एक्स का पावर वन बाई टू, इसको लॉग्स ही लेके रैशनलाइज करके लिख लेता है। ठीक है, तो अपनों को बोर्ड के हिसाब से यहाँ तक आंसर हमारा स्टॉप हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये वाला केस में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कब जाएगी, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है तो उसका फैक्टर निकालना, तो वो मेरे ख्याल से फैक्टराइजेशन में आप लोगों की तो मास्टरी है, नहीं है तो आई विल पुट अप अ वीडियो ऑन फैक्टराइजेशन ऑल्सो। ओके, तो अगर नहीं है, फैक्टर्स दिए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टर्स नहीं दिया है तो हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टराइज करोगे, अगर ये आते हैं ऐसे अलग अलग तीन आते हैं वेरिएबल्स फैक्टर्स, तो ऑब्वियसली आपका आंसर लॉग में ही आना है, बस ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट केस, अब हम आते हैं सेकंड केस में। ठीक है, सेकंड केस के लिए आते हैं, सेकंड केस में क्या करेंगे भाई, रुक जाओ, सेकंड केस के लिए क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, सेकंड केस का भी हम एक क्वेश्चन अच्छा सा उठा लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो ठीक। क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन 3x प्लस वन अपॉन 3x प्लस वन अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू x प्लस टू dx। ठीक है, क्या हो गया 3x प्लस वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक, अब देखो ये दो बार हो गया, यानी इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, टू टू और माइनस टू। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भैया, 3x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू विच इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू, हो गया। जब स्क्वायर आएगा, मान लीजिए क्यूब होता तो ए बी में स्क्वायर सी में क्यूब तक जाता। ठीक है, तो ये एक चीज को हमको ध्यान रखना है, जैसे जितना भी फैक्टर आएगा वो इस तरीके से आएगा। अब आप रैशनलाइज कैसे करेंगे इसको बताइए, 3x प्लस वन इक्वल टू, ये देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या चलेगा भाई, x के साथ क्या लगेगा मेरे को, एक x माइनस टू और एक x प्लस टू, प्लस b के साथ कुछ नहीं लगने वाला मेरे पास, खाली x प्लस टू आएगा,
प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा मेरा x माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आएगी प्रॉब्लम हमको भाई, प्रॉब्लम क्या आएगी अब देखो यहाँ पे। एक बार मैंने क्या पुट कर लिया ना x इक्वल टू टू, टू पुट करने से क्या हुआ टू माइनस टू जीरो, टू माइनस टू जीरो हो गया। मेरे पास बच रहा है b में क्या आ जाएगा भाई, थ्री इंटू टू प्लस वन इक्वल टू b, कितना आया टू प्लस टू, तो कितना आ गया b की वैल्यू हमारी यहाँ पे, b की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, वी आर गेटिंग सेवन बाई फोर राइट, थ्री टू सिक्स प्लस वन सेवन, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी सेवन बाई फोर राइट हो गई। अब b आ गया, अब एक काम करते हैं x की वैल्यू माइनस टू ले लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू माइनस टू ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन इक्वल टू माइनस टू प्लस टू जीरो, माइनस टू प्लस टू जीरो बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा c माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया माइनस सिक्स, थ्री टू सिक्स माइनस सिक्स प्लस वन कितना आ गया माइनस फाइव इक्वल टू फोर, फोर नहीं कितना आ जाएगा माइनस टू, माइनस टू माइनस टू माइनस टू कितना माइनस फोर, माइनस फोर का स्क्वायर कितना आ गया सिक्सटीन, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सिक्सटीन सी, यानी सी की वैल्यू आ गई माइनस फाइव बाई सिक्सटीन हो गया यहाँ तक हमारा ठीक। अब आगे अब तो हम कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते, तो दो तरीके यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद दो तरीके, या तो x को जीरो ले लो, अगर आप x को जीरो ले लोगे तो क्या आ जाएगा वन इक्वल टू कितना आ जाएगा a माइनस टू टू प्लस b इंटू टू प्लस c जीरो गया इंटू फोर, और a आपके पास b और c की वैल्यू आ गई, आपकी a की वैल्यू आ सकती है ठीक है, ये एक तरीका है ठीक। दूसरा क्या तरीका है, ये लंबा प्रोसेस है, इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा मेरा ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को जीरो ले लो, आपके सारे टर्म्स आ गए, आपने b और c निकाल लिया, b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप a की वैल्यू निकाल सकते, एक तरीका ये, बट दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत मेहनत लगेगा, कैलकुलेशन के गलती होने के चांसेस पूरे हैं। दूसरा क्या कर लेते हैं, दूसरा देखो मेरे पास क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट चेक करिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट चेक करिए, कहाँ पे इस साइड में एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, जीरो हो गया, इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यस ए में है ठीक है, बी में एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं, सी में अगर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या, क्या मिल गया मेरे को प्लस सी, तो क्या आ गया मेरी ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इक्वल टू माइनस सी, यानी क्या आ गया मेरा फाइव बाई सिक्सटीन, डायरेक्ट आंसर आ गया, आ गया। तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा इजी पड़ता है ठीक, ना कि ये हमको टफ पड़ेगा। तो अब हमारा आंसर कैसा आ गया भाई, यही इंटीग्रेशन मेरा कैसा हो गया, ए ए का वैल्यू क्या आ गया 5 बाई सिक्सटीन, 5 बाई सिक्सटीन इंटू वन अपॉन क्या आ गया x माइनस टू, वन अपॉन x माइनस टू, बी की वैल्यू क्या आ गई 7 बाई फोर प्लस 7 बाई फोर वन अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर आ गया, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस c, c में क्या आ गया माइनस फाइव बाई सिक्सटीन, कितना आ गया क्या c की वैल्यू वन अपॉन x प्लस टू, इस पूरे का क्या आ गया हमारे पास dx। लेकिन अब यहाँ पे सारा आंसर लॉग नहीं आएगा लास्ट टाइम के टाइम, यहाँ पे भी अभी मेरे को लॉग में आंसर कौन सा दिख रहा है भाई, मैं आंसर यहीं पे लिख देती हूँ, इसको हटा देते हैं, आंसर्स कैसे आ जाएंगे हमारे, देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ पे देखो 5 बाय 16 लॉग ऑफ x माइनस टू, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर जाएगा माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस, यानी क्या आ जाएगा माइनस 7 बाई 4 इंटू एक्स माइनस टू राइट ठीक है, ये वाले का आंसर क्या आ जाएगा अगेन माइनस 5 बाय 16 लॉग ऑफ x प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट, सी आगे आपका आंसर क्लियर है। तो ये वाले ऐसे वाले केसेस में एक आंसर आपका इस टाइप का आएगा, बाकी दो आंसर आपके क्या रहेंगे लॉग में रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्यूब तक है तो ये आएगा, फिर एक क्यूब हो जाएगा तो क्यूब का आंसर आ क्या आ जाएगा माइनस टू अपॉन द नीचे स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं ओके, तो आपके ये वाले टर्म्स बनेंगे यहाँ पे ठीक। मेरे ख्याल से ये वाला आपका केस कौन सा केस हो गया आपका, नेक्स्ट केस हो गया ठीक। इसके बाद आता है आपका थर्ड केस ओके। अब हम आ रहे हैं थर्ड केस में, थर्ड केस क्या हो जाएगा,
जिसके बारे में मैंने आपको बताया। थर्ड केस के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। थर्ड केस आपका कैसा आता है? थर्ड केस आ गया, अगर आपका थर्ड केस वाला आ गया, जैसे आ गया इंटीग्रेशन 8 अपॉन क्या आ गया x प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, राइट? अब ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाला केस, तब हम क्या करेंगे? ठीक, बहुत आसान है, इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, 8 अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या बन जाएगा, ये a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस ये वाले केस में लेना पड़ता है bx प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 था ना, हाँ ठीक, 4 रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपका चीज बन जाएगा। अब आपका क्या आ गया भाई यहाँ पे, 8 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2, राइट? अब हमारा आंसर लेने का तरीका क्या होगा, एक बार x ले लो माइनस 2, यहाँ पे एक ही वैल्यू दिख रही है माइनस 2, ये माइनस 2 माइनस 2 0, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 4 8, यानी क्या आ गया 8 इज इक्वल टू a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, कितना आ गया भाई, a की वैल्यू आ गई मेरी 1 आ गया ना भाई, 4 8 1। ठीक है, अब आ गया हमारे, अब क्या करें भाई, अब क्या करें, बेस्ट सॉल्यूशन, x को 0 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा मेरा, ये 0 हो जाएगा, b 0 हो गया, अगर x को 0 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 इक्वल टू x 0 हो गया 4a प्लस b मेरा पूरा 0, ये भी 0, तो क्या आ गया 2c, तो a की वैल्यू हो गई 1, 8 माइनस 4 कितना हो गया 4 इक्वल टू 2c, c की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये आ गया c की वैल्यू। ठीक, थर्ड केस, अब क्या करोगे आप, अब आपके पास आती प्रॉब्लम क्या हो गया भाई, अब मेरे पास कोई वेरिएबल ही नहीं बच रहा है, एक बार मैंने क्या ले लिया x माइनस टू ले लिया, एक बार मैंने x को क्या ले लिया 0 ले लिया, अब मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं। जब भी ऐसे केसेस आते हैं आप कोफिशियंट पे चले जाओ, ठीक है, कोफिशियंट पे चले जाओगे तो क्या आ गया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यानी क्या आ गया कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे हमने पिछली बार किया था, तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास, बी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी माइनस 1 आ गई, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ पे माइनस 1, सी की वैल्यू आ गई मेरी 2। ठीक, आसान हो गया भाई, अब यही क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू क्या आ गई माइनस, यानी क्या आया माइनस x प्लस c क्या आ गया मेरा 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस कितना है 4, ये आ गया मेरा यहाँ पे dx, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए हम प्रॉब्लम में फंस गए, हम किस तरीके का प्रॉब्लम में फंस गए भाई, अब यहाँ पे हमको कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, ऐसे केसेस में हमारे आंसर्स थोड़े से डिफरेंट आते हैं, ये वाले केस में क्या आ गया भाई, पहले वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गया, लगा लो इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2, दूसरे में लगा लो माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, आराम से मैंने इतना इंटीग्रेशन किया हुआ है कि मेरे को अब तो क्वेश्चन के आंसर ही मुझे रट गए, क्या दिख रहा है भाई, अगर इसको हम t ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 को अगर हम t लेते हैं तो क्या आ गया मेरा 2x dx हो गया मेरा dt, यानी x dx की वैल्यू क्या आ गई मेरी dt बाई 2, तो dt बाई 2 बाई t क्या जाएगा log आ गया, ये आंसर आ गया, क्या आ गया यहाँ पे आ गया log x प्लस 2, यहाँ पे आ गया माइनस 1 बाई 2 log, क्या आ गया भाई ये dt बाई 2 थोड़ा बड़ा दिख रहा है, dt बाई 2 यहाँ कर देते, log x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला है, क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्या आ गया 1 बाई 2 tan इनवर्स, क्या आ गया x बाई a, ये 2 कैंसिल हो गया प्लस कॉन्स्टेंट, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो हमेशा ऐसे केसेस में एक लॉग में आएगा,
एक वाला लॉग दूसरे तरीके से लॉग आया, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ा यहाँ पे, और ये वाला स्टैंडर्ड फार्मूले से आ गया। क्लियर है? तो ये तीन मेथड है जिसके थ्रू हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, एक आपके 4 मार्क्स में जनरल आ जाता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले में आपका एक क्वेश्चन जरूर रहता है पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान देंगे कि आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तीन ही मेथड है इसमें, तीन ही तरीके हैं। अगर अलग अलग फैक्टर आता है ए अपॉन बी अपॉन सी कर लो, वैल्यू ए बी सी की निकालो, तीनों आंसर लॉग में आते हैं। दूसरे में अगर किसी का रूट्स रिपीट हो रहे हैं तो उसको सेम लिखना है, प्लस उसके बाद वाले को अगर क्यूब है तो तीसरे तक जाएगा। और थर्ड वाला केस जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 आता है तो हमको बी एक्स प्लस सी लेना है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से पार्शियल फ्रैक्शन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में जाके एनी टाइम बोल सकते हो, पूछ सकते हो, क्वेश्चंस दे सकते हैं और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। जब भी आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका आंसर एनी टाइम अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चंस पूछते रहिए, आंसर्स पाते जाइए। जितने भी जगह पे डाउट है, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं बेटा, सीरियस हो जाइए। नाउ इट्स हाई टाइम टू स्टडी। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो क्या लगता है, पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी अच्छे नॉलेज, जो भी अगर समझ में आपको आता है तो उनको भी ये चीज़, ये बेनिफिट्स मिले। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।